नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है, माना जाता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो टॉप है या जिसे हम ताज कहेंगे, वो हमारा जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को बता दूं कि 370 टूटने के बाद भी जो है आउट ऑफ स्टेट के लोग जो है जम्मू कश्मीर आते हैं, और बहुत सारे लोगों का सपना भी है कि हम भी जम्मू कश्मीर आएँ, देखें क्या है कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही एक बात की जो है डर खौफ उनके दिलों में रहता है। अभी जो है इस समय हमारे साथ गुजरात से आए हुए हमारे दोस्त कह दीजिए, या यहाँ घूमने के लिए आए हुए पर्यटक की बात करें तो ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? हम प्रदीप शाह फ्रॉम अहमदाबाद। तो इनका नाम प्रदीप है और ये अहमदाबाद से। तो आप मुझे सबसे पहले, मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि गुजरात में और जम्मू कश्मीर में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? यहाँ पे जो शांति है वो वहाँ पे नहीं है। मतलब इंडस्ट्रीज़ इनकम बहुत है उधर, लेकिन मेंटली जो चाहिए सुकून वो यहीं पर है। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, जो खूबसूरती है, आप यहाँ आए, यहाँ पे लोगों के साथ रहे, घर में भी रहे होंगे, आपने कल्चर भी देखा होगा, तो क्या कुछ अच्छा लगा आपको यहाँ? सब कुछ, लोगों का प्यार, इतने प्यार से बात करना, खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं कहना, वो सबके सामने ही है। तो जब आप यहाँ आए, तो मैं आप जब जम्मू में जो है रेलवे स्टेशन पे उतरे जब, तो आपने सबसे पहले जो है कहाँ का दौरा किया? कटरा वैष्णो माता। कटरा वैष्णो देवी जो है वहाँ आप गए? हाँ जी। तो पहली बार गए या इसके अलावा आप पहले भी गए हुए? पहली भी गए, काफ़ी बार जाके आए। तो क्योंकि आप जो इससे पहले भी आए हैं यहाँ, 2016 में भी आए हैं, उससे पहले 18 में भी आए हैं शायद, तो क्या कुछ जर्नी है, कैसे आपका यहाँ इंटरेस्ट हुआ, कैसे आप लोगों से जुड़े, या क्या कुछ जो जर्नी है वो आप हमें सुनाएं? जर्नी के बारे में क्या बोलना, जब वहाँ से ट्रेन छूटती है ना, तब से ही दिल में खुशी होती है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने लोग हैं, इतने स्टेट क्रॉस करके वहाँ जहाँ पहुँचते हैं वो अपनापन मिलता है जो अपने घर में होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान की टेररिस्ट स्टेट मानी जाती है, तो क्या आपके दिल में वो खौफ नहीं है, वो टेरर वाला जो बाकी लोगों से मिलकर हमें लगता है? मुझे कभी नहीं लगा, पहली बार भी नहीं लगा था, उसके बाद भी नहीं लगा। वहाँ जाके भी सबसे बोलता हूँ, मीडिया में देखो उससे अच्छा है खुद जाओ और चेक करो। ये बहुत अच्छी बात है कि खुद जब तक जाओगे नहीं तब तक पता तो चलेगा नहीं। तो आप यहाँ डोडा में आए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ डोडा में? 4 दिन हो गए। तो 4 दिन जो है आप कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या किया आपने? कटरा गए, वैष्णो माता, भदरवा गए, एक दिन गए धराड़ा, तो आज है डोडा में। तो मतलब आपने कंटिन्यू स्टे रखा हुआ है, कभी यहाँ वहाँ हैं, चलते रहते हैं आप? हाँ जी। तो चलिए, हमारे साथ जो है दूसरे शख्स भी हैं, इनसे पूछेंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पटेल नरेंद्र, फ्रॉम अहमदाबाद। तो आप जो है यहाँ पहली बार आए या पहले भी आए हुए हैं? ये दूसरी बार आया हूँ डोडा में। अच्छा, आप दूसरी बार यहाँ आए हुए हैं, तो कैसा लगता है आपको जम्मू कश्मीर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? अच्छा है, जम्मू कश्मीर में लोग भी अच्छे हैं, पर इस बार थोड़ी बारिश थोड़ी कम गिरी है, तो जो नज़ारा देखने हैं वो थोड़ा पहले जैसा नहीं है। तो अब बारिश आ जाए तो अच्छा है, तो सबको सुकून मिलेगा और नज़ारा भी अच्छा हो जाएगा, पर इस बार थोड़ी बारिश कम गिरी है। तो अगर हम गुजरात की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या कुछ आपको गुजरात और जम्मू कश्मीर में कॉमन देखने को मिलता है? कॉमन तो अब तो नए रोड, और जो डर था पहले से ऐसा अब ऐसा नहीं रहा। और मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि भाई गुजरात के लोग को कि भाई जम्मू कश्मीर में जो आप गलत फहमी है कि भाई यहाँ डर है, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आराम से घूम सकते हैं और सभी लोग अच्छी तरह से बात करते हैं, अत्ता बत्ता कुछ पूछना है तो भी डरते नहीं हैं, आराम से चलता है। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने भी। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं
कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ ये हुआ, या जो लोग हैं अभी भी ख्यालात उनके जम्मू कश्मीर को लेके टेरर वाले हैं, डर वाले हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ डर जैसा नहीं है, ख्यालात भी अच्छे है और यहाँ घूमना अच्छा है और यहाँ हिंदू के मंदिर भी है तो यहाँ कई लोग आते हैं और माता देवी का दर्शन भी करते हैं और उससे भी जा अच्छा नज़ारा भदरवाह में लोग भी आते हैं, वहाँ भी शिव जी का मंदिर है तो वहाँ भी लोग बहुत सारे गुजराती बहुत आउट ऑफ स्टेट के आते हैं और दर्शन करते हैं उसके। तो चलिए, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे गरबे के बारे में कुछ खास चीज़ें हमें बताएं। गरबा के बारे में क्या बताना, मतलब ये तो सदियों से चला आ रहा है। जो पहले थे वो मिट्टी का मटका सर पे लेके औरतें ऐसे ही गरबा किया करती थी, उसमें दिया रखते थे और उसको गरबा बोलते हैं, तो वो ओरिजिनल है। आज जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। आज मतलब अच्छे से तैयार होना, पूरी रात जागना, डीजे बजाना, तो थोड़ा मतलब चेंजेस है वक्त के साथ साथ, वो वाली बात नहीं रही जो पहले होती थी। फिर भी जो है तो है, बस मतलब आज भी, हाँ आज भी पूरे वर्ल्ड में गुजरात गरबा के नाम से ही जाना जाता है कि गरबा गुजरात के ही होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको जो है गुजरात में देखने को नहीं मिलती है, वो कुछ ऐसी डिशेज जो गुजरात में आपने कभी नहीं खाई हो और जम्मू कश्मीर में आके खाई हो, उनके कुछ नाम? राजमा चावल, वर्ल्ड फेमस। तो राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, जहाँ राजमा किसी को पता ही नहीं होता हमारे, तो यहाँ राजमा होता है। तो चलिए, इसके अलावा ओवरऑल आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से इतना ही कहना है कि अगर सच में सुकून चाहिए तो आओ इधर, मिलो, पर्सनली मिलो, जाओ लोगों के घर में, इतना प्यार मिलेगा ना, आपकी बैग भर के ले जाओ, साल भर इंजॉय करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। तो देखिए, आपने सुनी पूरी बातचीत, देखी कि मैं और भी बाकी सब लोगों से बता दूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है इतना भी कोई आतंकवाद स्टेट नहीं है। तो जब आप खुद यहाँ आएंगे, यहाँ के माहौल को देखेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको भी जम्मू कश्मीर से प्यार हो जाएगा। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।